नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज मैच के दौरान दोस्तों तांडव मच गया है। फुटबॉल मैच के बाद इंडोनेशिया के एक स्टेडियम में हुई मौत के तांडव ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लोग बचने के लिए बाहर जाने वाले एक ही गेट पर इकट्ठा हो गए। एक ही गेट पर भीड़ होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोगों ने गेट के पास ही दोस्तों दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी लोगों को पीटकर मैदान से बाहर भगाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लाइव भी देख सकते हैं, इस भगदड़ में कई लोग कुचले और कई मारे गए, वहीं कुछ की मौत दम घुटने से हुई। मरने वालों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच के लिए 42,000 टिकट बेची गई थी, जबकि स्टेडियम में 38,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आयोजक भीड़ को काबू नहीं कर पाए, यही लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह बन गई। फुटबॉल मैच के बाद इंडोनेशिया के एक स्टेडियम में मौत के तांडव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। मैच के बाद हुई हिंसा में करीब 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, साथ ही सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के वीडियो और खौफनाक तस्वीरें पूरी दुनिया में अब वायरल होने लगे हैं। मैच के बाद हिंसा में मौत तो हुई, हर कोई जान गया, मगर इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं। हिंसा में इतने लोगों की मौत के पीछे वजह आयोजकों की लापरवाही, प्रशासन का मैनेजमेंट है। मुकाबला अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच खेला गया, जहां अरेमा की टीम हार गई। इस हार के बाद अरेमा के फैंस भड़क गए और मैदान में घुस गए। पुलिस ने भड़के हुए फैंस पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे खचाखच भरे स्टेडियम में भगदड़ मची और कुछ लोग अधिकारियों को भी पीटने लगे थे। कारें भी तोड़ दी गई थी। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर इस वक्त आई है। अलग से कमेटी गठित कर दी गई है, जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं, सभी मैच दोस्तों रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, बेहद बुरी खबर, पूरा देश हिल गया है, देशों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तो अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब।